सो हेलो गाइस, मेरा नाम सूरज पटेल है। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो रियली सॉरी। और आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो मेरे TY BCom के फ्रेंड है उन लोगों का जो मुंबई यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका KT का एग्ज़ाम है रिपीटर स्टूडेंट का, उनके ऊपर लेके कुछ नोटिस आई हुई है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने जारी किया हुआ है। तो नोटिस में क्या लिखा है, आपका हॉल टिकट आ गया है कि नहीं आ गया, खासकर तो हॉल टिकट को लेके ही बात होने वाली कि आपका हॉल टिकट आया है कि नहीं आया है। तो चलिए गाइस, हम वेबसाइट अपना मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हैं, लेकिन उस वेबसाइट पे जाने के पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। तो जैसे कि गाइस, आपको मेरा चैनल का नाम दिख रहा है सूरज पटेल एजुकेशन करके, सेम मैंने मेरे चैनल का वेबसाइट खरीदा है। आप अगर ऊपर जैसे कि आपको दिख रहा है www.surajpatel.com ही जैसे लिखोगे, आपको ऐसा कुछ आएगा, आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई विश टू कंटिन्यू करना है, देन आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही पेज आपका ओपन होता है, आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, तो आपको ये सब मेरे दिखेंगे, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इधर अपना ईमेल आईडी कर डाल के इसे सबमिट जरूर कर देना, मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रीजन ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा मेरे इस ब्लॉग को, तो मैं जो भी अगर अपडेट इस ब्लॉग पे करूंगा, आपको सीधा मेल से आ जाएंगे। तो जैसे कि TY BCom की बात करो, तो देखिए इधर मैंने TY BCom का कल ही रात को डाल दिया हुआ है कि क्या अपडेट आया है क्या नहीं आया है, तो इसे ओपन करके देख लेते हैं। जैसे कि उधर मैंने रीड मोर किया है, तो देखते हैं कि क्या आया। इधर देखिए, आपके सामने ये ओपन हो चुका है, यही है। तो जैसे आपको इधर इधर मैंने सब कुछ बता दिया है कि कैसा है क्या है, ऐसे कि दिख रहा है हेलो फ्रेंड, इस पोस्ट पे आप सभी को बताया जाएगा कि मतलब ये बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, आपका एग्ज़ाम जो है 28 को, देन मुंबई यूनिवर्सिटी का जो नोटिस है वो आपको इधर दिख रहा है, ठीक है ठीक है। और काफ़ी कुछ है जैसे कि इधर आपको दिख रहे, तो देन ये आपको पूरा रीड करना है, ये ऊपर वाले, देन आपको इधर ये रीड करना है मुंबई यूनिवर्सिटी के जो नोटिस है। और गाइस, ये जो इनका पूरा नोटिस है ये आपको रीड कर लेना है, और ये जो इनकी लिंक है यहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए, ये तो मेरे ब्लॉग के बारे में था जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इधर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे भी मैं उसके अंदर काफ़ी कुछ डालने वाला, और ये ब्लॉग बनाने का मेरा एक मेन मोटो है कि मेरे एक सब्सक्राइबरों ने पूछा था कि सर हमें PDF चाहिए, तो मैं PDF इस यूट्यूब पर नहीं दे पा रहा था, तो यही रीज़न है कि मैं ब्लॉग पे इस तरीके से दे पाऊंगा और लिंक दे पाऊंगा, यूट्यूब के भी लिंक दे पाऊंगा। तो आप उधर मुझे एक सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे आ चुका हूँ, और मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे इधर देखिए आपको नोटिस दिख रहा है, नोटिस फॉर हॉल टिकट TY BCom ओल्ड एंड रिपीटर 2019 एग्जाम। तो इसे ओपन करते हैं, देखते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए क्या नोटिस दिया। तो देखिए गाइस, यही नोटिस है जो आपको मेरे वेबसाइट पे दिख रहा था, बल्कि मैं सिर्फ इस वेब अभी यूट्यूब पे मैं आपको बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेबसाइट पे मैंने पूरा लिखा हुआ है। आप 10 बार भी वही चीज़ आप जाके देख सकते हो, और उसे रीड करके बहुत ईजिली आप समझ लोगे, ठीक है। तो गाइस, मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या लिखा है वो हम रीड करके आपको बता देते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है, द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल एंड ओपन लर्निंग नोटिस दिया हुआ है, नोटिस फॉर हॉल टिकट TY BCom ओल्ड एंड रिपीटर 2019 एग्जामिनेशन, जो आपका 2019 का एग्जाम है। अच्छा, इसका एग्जाम डेट क्या है, तो फ्रेंड्स इसका भी मैंने बता के रखा, 28 को आपको TY BCom वालों का एग्जाम चालू हो रहा है TKT का, जो मैं ब्लॉग पे बता चुका हूँ। आप अगर फर्स्ट पोस्ट देखोगे, जो आपका भी मैंने बीच वाला ओपन किया उसके ऊपर वाला देखोगे, तो उसमें सबके MCom MA BSc IT सबके डेट लिखे हुए हैं, तो आप उधर से जाके प्रेफर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना भूलिए ना। तो देन इधर फिर स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट ऑफ TY BCom ओल्ड एंड रिपीटर आर रिक्वेस्ट टू डाउनलोड देयर हॉल टिकट ऑफ नवंबर एग्जाम 2019 एग्जामिनेशन बाय लॉग इन इन वेबसाइट। आपको बोल रहा है कि जो TY BCom के स्टूडेंट है वो अपने ओल्ड या रिपीटर के स्टूडेंट है, वो अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर ले जो नवंबर में एग्जामिनेशन है, और लॉग इन आईडी आपको किस साइट से, वेबसाइट का नाम क्या, ये देखिए ये जो लिंक दिख रहा है, आप चाहे तो अपने यूट्यूब गूगल पे जाके उसको प्रॉपरली मतलब टाइप करके भी कर सकते हो। एंड हॉल टिकट ऑल्सो विद द सेंटर सीट नंबर इज अवेलेबल इन स्टूडेंट लॉगिंग, ठीक है। आपको हर एक चीज़ उसके ऊपर, आपके जो लॉगिन आईडी होगा उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे सीट नंबर हर एक चीज़। द स्टूडेंट शुड बी यूज टू यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाउनलोड देयर रिस्पेक्टली हॉल टिकट, ठीक है। आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है, तो इधर जैसे कि आपको दिख रहा है, इधर मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ आपको फ्रेंड्स,
ये देखिए, आपको अगर डाउनलोड करना है इस लिंक से तो आप ओपन कर दोगे। देन ओपन करने के बाद आपको आपकी आईडी और पासवर्ड चाहिए रहेगा, ठीक है, जिससे आप वो उसे लॉगिन करोगे। तो आपको आपका आईडी और पासवर्ड याद रहना चाहिए, इन केस कि अगर आपको याद नहीं है। इन केस ऑफ स्टूडेंट फॉरगेट द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यू कैन ऑप्शन फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट का आपको ऑप्शन रहता है। आप फॉरगेट ऑप्शन करके आपका यूजर आईडी हो या पासवर्ड हो, देन अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आप इस वेबसाइट के ऊपर अगर आपका पासवर्ड हर एक चीज सॉरी भूल गए हो तो आप ओपन कर सकते हो। और ये नोटिस आया है 22 तारीख को, ठीक है गाइस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, लेकिन गाइस अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वेबसाइट पे विजिट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ नहीं, बहुत इजी है विजिट करना। मैं आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे विजिट करेंगे। नॉर्मल गूगल पे आके www.surajpatelEducation.com लिखना है, देन लिख के आपको इंटर करना है। और इंटर करोगे आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है गाइस। और आई थिंक कि उसके पहले आपको आई अंडरस्टैंडिंग टू कंटिन्यूस करके, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके देन इधर आ जाओगे। तो जैसे कि मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में बोल रहा था कि मेरे चैनल पे बताया कि किसका कब कब एग्जाम है, तो देखिए ये जो फर्स्ट पोस्ट दिख रहा है यही है वो कि आप लोगों का कब से क्या एग्जाम है। तो इस क्लिक किया देन थोड़ा नीचे आ जाना, इधर आप लोगों को गाइस दिख जाएगा। दोस्तों आपको पोस्ट लोगों पे जिनके भी मतलब जो भी लिखा हुआ है, मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उन सभी का एग्जाम डेट क्या है, सभी दोस्तों का एग्जाम डेट मतलब जितने लोगों का मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बीकॉम बीएससी आईटीएमए, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उन सभी लोगों का। तो इधर नीचे के आपको ये दिख भी रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ही पेज इधर रखा हुआ है। अगर फ्रेंड आप लोगों के क्लियर नहीं, आप इसको जूम करके भी देख सकते हो, लेकिन तब भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है वो, तो देखिए दोस्तों इधर एक कुछ बोला हुआ है। अगर फ्रेंड आप लोगों को पिक क्लियर दिख नहीं रहा है, कम हो या पिक की साइज वाइज कम हो, कुछ भी हो, तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। देखिए ये लिंक जिधर मैं राउंड कर रहा हूँ, ये जो ऐसा लंबा लिंक दिया है ना, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करके आपके सामने ये पूरा पीडीएफ आ जाएगा। गाइस ये रीजन है कि मैंने वेबसाइट परचेस किया है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कुछ भी अपडेट आएगा एम कॉम के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के हॉल टिकट को लेकर या कुछ, आपके पास पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए गाइस, बाय बाय।